गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 23 अप्रैल और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं 23 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। उसी के साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी अपन साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 23 अप्रैल से, ठीक है। तो हाल ही में वर्ल्ड अर्थ डे मनाया गया है। हाल ही में वर्ल्ड अर्थ डे विश्व पृथ्वी दिवस बनाया गया है। ये बनाया गया है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को यह है बनाया गया है। ये क्यों बनाया जाता है? लोगों को पृथ्वी के बारे में जागरूक करने के लिए कि कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यहाँ के इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखने के लिए और एटमोसफेयर को साफ रखने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है, ठीक है। ये इसलिए बनाया जाता है। इस बार ये नहीं बनाया गया है क्योंकि COVID-19 के चलते घरों से निकलना बैन है, तो इसीलिए कोई भी इस बार ये डे नहीं बनाया गया है, ठीक है। बाकी ये डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 अप्रैल को, ठीक है। ये सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 1970 में। सबसे पहली बार ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1970 में, 1970 में बनाया गया था इसकी। और इस बार की 2020 की थीम क्या थी? 2020 की इस बार थीम क्या थी? जो ये थीम थी वो थी क्लाइमेट एक्शन। जो इस बार 2020 की वर्ल्ड अर्थ डे की जो थीम थी वो क्या थी? वो थी एक्शन, ए क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। ये हो गया अपना। अब डिस्कस कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जितने भी इम्पोर्टेंट करंट, जितने भी 1 अप्रैल से लेकर अभी तक के जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं वो अपन एक बार देख लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल से। एक अप्रैल को बनाया गया था ओडिशा डे। ओडिशा की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल को हुई थी, इसीलिए ओडिशा डे बनाया जाता है 1 अप्रैल को। 2 अप्रैल को बनाया जाता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 2 अप्रैल को बनाया जाता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, ठीक है। 2 अप्रैल को बनाया जाता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ये जो ऑटिज्म है ये एक डिजीज है। ये क्या है? ये एक डिजीज है। किससे रिलेटेड? ये ब्रेन से मानसिक बीमारी है, ठीक है। ये दिमाग की बीमारी है, ठीक है। आगे चलते हैं। 2 अप्रैल हो गया। अब 4 अप्रैल को बनाया गया था वर्ल्ड माइंड अवेयरनेस डे। 4 अप्रैल को क्या बनाया जाता है? वर्ल्ड माइंड अवेयरनेस डे, वर्ल्ड माइंड अवेयरनेस डे बनाया जाता है 4 अप्रैल को। और आगे देखते हैं, 5 अप्रैल को बनाया जाता है, 5 अप्रैल को बनाया जाता है वर्ल्ड मराइन डे, ठीक है। वर्ल्ड मराइन डे, मराइन मतलब समुद्रों से रिलेटेड है, ठीक है। वर्ल्ड मराइन डे यानी कि वर्ल्ड सी, वर्ल्ड मराइन डे कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 5 अप्रैल को। 7 अप्रैल को बनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। 7 अप्रैल को क्या बनाया जाता है? ये बनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। सात अप्रैल को क्या बनाया जाता है? ये बनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। और 8 अप्रैल को, और जो 10 अप्रैल है उसे बनाया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथिक डे। 10 अप्रैल को बनाया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। वर्ल्ड होम्योपैथिक डे कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 10 अप्रैल को। और 11 अप्रैल को बनाया जाता है वर्ल्ड नेशनल सेफ मदर डे। 11 अप्रैल को बनाया जाता है नेशनल मदर सेफ डे। नेशनल मदर सेफ डे बनाया जाता है 11 अप्रैल को। और 17 अप्रैल को बनाया जाता है हीमोफीलिया डे। 17 अप्रैल को बनाया जाता है हीमोफीलिया डे, ठीक
है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे बनाया जाता है 17 अप्रैल को, और 21 अप्रैल को बनाया जाता है वर्ल्ड क्रिएटिव एंड इनोवेटिव डे। 22 अप्रैल को बनाया जाता है वर्ल्ड क्रिएटिव एंड इनोवेटिव डे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, 1 अप्रैल को बनाया जाता है ओडिशा डे, 2 अप्रैल को बनाया जाता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 4 अप्रैल को बनाया जाता है वर्ल्ड माइनिंग अवेयरनेस डे, 5 अप्रैल को बनाया जाता है वर्ल्ड मराइन डे, 7 अप्रैल को बनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, 10 अप्रैल को बनाया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथिक डे, 11 अप्रैल को बनाया जाता है नेशनल मदर सेफ डे, 17 अप्रैल को बनाया जाता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। ये प्रकार, ये डिजीज है, ये डिजीज है, ठीक है, ये डिजीज है। 22 अप्रैल को बनाया जाता है वर्ल्ड क्रिएटिव एंड इनोवेटिव डे बनाया जाता है 22 अप्रैल को। अब आगे चलते हैं, अगला जो अपना है वो हुवाई का नया नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। किसके? हुवाई के। हाँ, हुवाई के नए, हुवाई इंडिया के, सॉरी, हुवाई इंडिया के, इंडिया के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। उनका नाम क्या है? उनका जो नाम है वो है ली चैन, डेविड ली, सॉरी, उनका नाम क्या है? डेविड, डेविड ली। इनका नाम क्या है? इनका नाम है डेविड ली। और जो ये किन का स्थान लेंगे? ये लेंगे दे चैन का, ये तो स्थान लेंगे बोलेंगे दे चैन का, ठीक है, ये दे चैन का स्थान लेंगे। और डेविड ली को नया हवाई हवाई इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। इसे डेविड ली को किनका स्थान लेंगे? वो लेंगे जे सेन का, जे सेन पहले हवाई इंडिया के सीईओ थे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, जो हवाई है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये है रॉसिन चीन में। जो हवाई है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है, ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? ये है रॉसिन चीन में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जो इसका हेडक्वार्टर है वो है रोशिन चीन में। और इसके जो सीईओ है कहाँ के? चीन के, ठीक है। रोशिन चीन के जो सीईओ है उनका नाम क्या है? उनका नाम है रंजन कोई, रंजन कोई, ये सीईओ है, ठीक है। कहाँ के? रोशिन चीन के सीईओ कौन है? ये है रंजन कोई। आगे चलते हैं, अभी हाल ही में G20 कृषि सम्मेलन हुआ था, G20 कृषि मीटिंग हुई थी। किसकी? G20 देशों की कृषि मंत्रियों की बैठक हुई थी, ठीक है। G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक हुई थी। G20 कृषि मंत्रियों की बैठक हुई थी, तो ये कहाँ पे हुई थी? ये थी सऊदी अरब में। कहाँ हुई थी? ये हुई थी सऊदी अरब में। इनकी मीटिंग कहाँ हुई थी? सऊदी अरब में हुई थी। किस कैसे हुई थी? वीडियो कॉलिंग के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ठीक है। किस तरह हुई थी? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई थी। और इसने भारत की तरफ से किन्होंने हिस्सा लिया था? इन्होंने लिया था नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, ठीक है, नरेंद्र नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इस G20 मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया था। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी ये हमारे क्या है? ये है कृषि मंत्री। नरेंद्र सिंह तोमर जी क्या है? हमारे प्रेजेंट टाइम में ये है कृषि मंत्री हैं। और इनका जो नरेंद्र सिंह तोमर जी का जो निर्वाचन क्षेत्र है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो का क्या है? वह उत्तर प्रदेश। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उत्तर प्रदेश, ठीक है। इन्होंने दो ऐप लॉन्च की थी, नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा दो ऐप लॉन्च की गई थी। उनका नाम क्या है? पीएम किसान मोबाइल ऐप। इन्होंने दो ऐप लॉन्च की थी। पहली ऐप जो लॉन्च की थी वो थी प्रधानमंत्री किसान मोबाइल एप्लीकेशन, प्रधानमंत्री किसान किसान ऐप एप्लीकेशन,
है, पहली जो ऐप लॉन्च की गई थी वो थी प्रधानमंत्री किसान एप्लीकेशन। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? ये कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई थी। जो दूसरी लॉन्च की गई थी, जो दूसरी लॉन्च की गई थी उसका नाम क्या है? उसका नाम है किसान रथ। तो दूसरी ऐप लॉन्च की गई थी उसका नाम क्या है? उसका नाम है किसान रथ। कुछ समय पहले G20 वित्त मंत्रियों की बैठक हुई, G20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी। ये तो थी किसकी? ये तो थी कृषि मंत्रियों की, ठीक है, ये कृषि मंत्रालय की बैठक थी, ठीक है। अब हुई थी कुछ समय पहले G20 फाइनेंशियल मिनिस्टर की, वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी, उनमें हमारे निर्मला सीतारमण जी ने भाग लिया था, ठीक है। किनने भाग लिया था? ये लिया था निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण जी ने G20 वित्त मंत्री की जो बैठक हुई थी उनमें भाग लिया था निर्मला सीतारमण जी ने। ये भी वीडियो कॉलिंग के थ्रू ही हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही ये हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक ने, पेटीएम पेमेंट बैंक ने, ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है, ठीक है, मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है, मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। तो ये पूछ सकते हैं हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है? तो वो की गई है मास्टर कार्ड के साथ। और क्यों की गई है? तो ये वर्चुअल और फिजिकल कार्ड जारी करने के लिए की गई है। पेटीएम पेमेंट बैंक चाहता है कि वो वर्चुअल और फिजिकल कार्ड जारी करे, वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड जारी करे, वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करवाने के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक ने साझेदारी की है मास्टर कार्ड के साथ, ठीक है। इसमें होगा क्या? इसमें यह होगा कि लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे, शॉप के ऊपर जाकर, दुकानों पर जाकर वो ट्रांजेक्शन ऑनलाइन ही कर सकेंगे, कैश की जरूरत नहीं रहेगी। इसीलिए पेटीएम पेमेंट बैंक ने वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए साझेदारी किसके साथ की है? ये की मास्टर कार्ड के साथ, ठीक है। अब ये इनका जो एस्टिमेट है वो 2020 और 21 तक, 2020 और 21 तक 10 मिलियन कार्ड जारी करने की का इनका एस्टिमेट है। 10 मिलियन कार्ड ये जारी करने का इनका एस्टिमेट है 2020-21 तक, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे जो है, हाँ, इस वर्चुअल पे जो डेबिट कार्ड होगा इसमें अपन एटीएम से पैसे भी निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एटीएम से पैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे अपन एटीएम से पैसे भी निकाल सकेंगे, किसी भी एटीएम में अपन जाकर इस जो वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड होगा पेटीएम का, इससे अपन पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब जान लेते पेटीएम के बारे में। पेटीएम की जो सीईओ है वो कौन है? पेटीएम के जो सीईओ है वो कौन है? वो है सतीश कुमार गुप्ता, सीईओ और एमडी और संस्थापक, ठीक है। सतीश कुमार गुप्ता सीईओ और एमडी है किसके? पेटीएम पेमेंट बैंक के, सॉरी पेटीएम के। अब आगे चलते हैं पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक ऐप लॉन्च की है, उसका नाम क्या है? सायान,
जो पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, इन्होंने एक ऐप लॉन्च की है, उसका नाम क्या है, दायान। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा, यह ऐप लॉन्च की गई है। इसमें होगा क्या दायान में, इसमें आप जो COVID-19 के जो पर्सन है जिनको क्वारंटाइन किया गया है, क्वारंटाइन किया गया हुआ है, उनके मोबाइल में इस ऐप को डाला जाएगा और फिर स्टार्ट किया जाएगा। इसमें जीपीएस सिस्टम रहेगा, क्या रहेगा इसमें, जीपीएस सिस्टम रहेगा, ठीक है। जीपीएस सिस्टम से वो जो पर्सन है उसको ट्रैक किया जाएगा, वो मूवमेंट उसकी जीपीएस के थ्रू ही चेक की जाएगी, वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, वो घर से कितनी दूर के बाहर गए थे, ये सब आप जीपीएस की ट्रैकिंग के थ्रू पता लगा सकेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देख रहे थे तो अभी हर दिन, हर एक दिन में दो नई ऐप लॉन्च होते जा रहे हैं, तो कुछ ऐप है जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं एक बार, तो डिस्कस कर लेते हैं ऐप को। तो डिस्कस करते हैं जो ऐप लॉन्च हुए हैं कुछ समय पहले। सबसे पहले है एक्सेस करोना, एक्सेस करोना, एक ऐप लॉन्च की गई है एक्सेस करोना, किसके द्वारा, ये द्वारा लॉन्च की गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा ये ऐप लॉन्च की गई है एक्सेस करोना, ठीक है। तो दूसरी ऐप लॉन्च की गई है वो की गई है सीजी हट। तो दूसरी ऐप लॉन्च की गई है वो कौन सी ऐप है, वो है सीजी हट, ये की गई है छत्तीसगढ़ के द्वारा, किसके द्वारा, छत्तीसगढ़ के द्वारा ये ऐप लॉन्च की गई है। इसमें होगा क्या, इसमें फल सब्जी और इनकी फ्री होम डिलीवरी की जाएगी, ठीक है। तीसरी जो ऐप लॉन्च की गई है जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रज्ञान, तीसरी जो ऐप लॉन्च की गई है वो है प्रज्ञान, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, ये लॉन्च की गई है झारखंड के द्वारा। और चौथी जो ऐप लॉन्च की गई है वो है आरोग्य सेतु, आरोग्य सेतु लॉन्च की गई है दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च की गई है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं। अगली जो एप्लीकेशन है उसका नाम है आयु एवं सेहत साथी, आयु एवं सेहत साथी, आयु एवं सेहत साथी, ये लॉन्च की गई है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा यह लॉन्च की गई है, ठीक है। आयु एवं सेहत, आयु एवं सेहत साथी, ये लॉन्च की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा, इस ऐप को लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसमें होगा क्या, इसमें जो इस ऐप में होगा क्या, इस ऐप में यह होगा कि जो भी लोग इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं मेडिकल से रिलेटेड वो यहाँ पर पा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। राजस्थान जो गवर्नमेंट है इन्होंने किन के साथ मिलकर इस ऐप को लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है हेल्थ केयर स्टार्टर के द्वारा, हेल्थ केयर स्टार्टर, हेल्थ केयर स्टार्टर के साथ मिलकर इस ऐप को लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये जो मैंने एप्लीकेशन आपको लिखवाई है ये आज एक बार याद जरूर कर लें, इम्पोर्टेंट है सभी ऐप जो मैंने लिखवाई आप लोगों को, ये इम्पोर्टेंट ऐप है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब जो अल्कोहल, अल्कोहल सैनिटाइजर, अल्कोहल हर्बल, सॉरी अल्कोहल, जो अल्कोहल, अल्कोहल हर्बल सैनिटाइजर ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये बनाया गया है NBRI, किसके द्वारा बनाया गया है, ये बनाया गया है NBRI, NBRI के द्वारा अल्कोहल हर्बल सैनिटाइजर का निर्माण किया गया है, क्योंकि जो COVID-19 के चलते जो सैनिटाइजर की कमी हो रही है हमारे देश में, उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए जो NBRI है इन्होंने अल्कोहल हर्बल सैनिटाइजर का निर्माण किया है, ठीक है।
जो NBRI, ये क्या है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो NBRI है उसके फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसके द्वारा यह बनाई गई है। जो नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है, ये कहाँ पे, सॉरी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे है, ये गोमती नदी के किनारे है, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और आगे चलते हैं, अब ये हो गया नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट किसके द्वारा बनाया गया है। अब जान लेते हैं अल्कोहल हर्बल सैनिटाइजर के अंदर बारे क्या है, ये लॉन्च किस नाम से लॉन्च किया जाएगा, ये लॉन्च किया जाएगा क्लीन हैंड वाटर के नाम से, लॉन्चिंग नेम जो होगा इसका, ये किस नाम से लॉन्च किया जाएगा, अल्कोहल हर्बल सैनिटाइजर है, किस नाम से लॉन्च किया जाएगा, ये लॉन्च किया जाएगा क्लीन हैंड वाटर या फिर क्लीन हैंड जल, क्लीन हैंड वाटर, क्लीन हैंड वाटर के नाम से ये लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। इसका असर कब तक रहेगा, इसका असर रहेगा 25 मिनट तक, 25 मिनट तक इस सैनिटाइजर का हमारे हाथों पर असर रहेगा। तो आज की जो करंट अफेयर क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब।